हड़प्पा काल में महिलाओं की मूर्ति में लाल रंग के सिंदूर की रेखा माथे पे मिले, पर सूर कोथड़ा में जो घोड़े के जीवाश्म और हड्डी प्राप्त हुए, साथ में टेराकोटा खिलौना के घोड़े भी प्राप्त हुए, तो ये भी एक प्रमाण है कि हड़प्पा के लोग वैदिक बृहत स्नानागार, जिसमें आप सीढ़ियों को अगर ध्यान से देखेंगे तो घाटी की सभ्यता, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती घाटी सभ्यता कहते हैं, वो वैदिक सभ्यता या कोई नॉन वैदिक सभ्यता है। आज हम आपके सामने कुछ पॉइंट रखेंगे। ये नव जागरण का युग है, दुनिया बदल रही है, पुराने स्टेरियोटाइप्स टूट रहे हैं, किताबों से बाबर और अकबर की पन्ने घट रहे हैं और छत्रपति शिवाजी और श्री राम की गाथा बढ़ रही है। ये हमारे अस्तित्व से, भारत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, भारत में जितनी दौलत थी उससे ज्यादा कीमती तो हमारे पुस्तक और ग्रंथ थे, जिसको लूट नहीं सके तो जला दिया गया। आपको नालंदा यूनिवर्सिटी तो याद होगा। आप अगर किसी को पूछेंगे कि वेदों की रचना कब हुई तो लोग कहेंगे 1200 बीसी, पर क्या सच में वेदों की रचना 1200 बीसी में ही हुई थी, जब भारत अंग्रेजों के हाथों में गुलाम था? मैक्स मुलर ने पहले तो ये साबित करने की भरपूर कोशिश की कि वेद 1200 बीसी की है, पर जब कुछ भारतीय विद्वानों ने ये पूछा कि तब तो आरण्यक और ब्राह्मणास में सिर्फ 100 साल की ही अंतर है, पर ये तो असंभव है क्योंकि इन तीन रचना संस्कृत में तो लिखा गया है, पर इन तीनों की संस्कृत साहित्य की लिखावट बिल्कुल अलग है। जैसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की भाषा लिखावट बदल जाती है। तो फिर मैक्स मुलर ने इस आर्गुमेंट को फिक्स करने के लिए कहानी कहा कि शायद वेदों की रचना 2000 से 3000 बीसी की हो सकती है। कोई भी श्योर नहीं था कि वेदों की रचना 1200 बीसी की है, पर जब हड़प्पा साइट की डिस्कवरी हुई तब मैक्स मुलर की फॉलोअर्स ने भारी मात्रा में प्रचार प्रसार किया कि वेदों की रचना 1200 बीसी की है। ये तब से आज तक हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। कितनी दुख और हास्यास्पद बातें हैं। कहते हैं ना, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। फिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आर्यन इन्वर्जन थ्योरी गढ़ी गई, जो पूरी तरीके से झूठ है, ये प्रमाणित हो चुका है। फिर आया आर्यन आक्रमण सिद्धांत। आर्यन आक्रमण करके द्राविडियन को, यानी पहले से जो हड़प्पन थे, उनको दक्षिण के ओर समेटा। तो फिर हड़प्पन सभ्यता दक्षिण भारत में भी होनी चाहिए थी, पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान एक भी हड़प्पन साइट दक्षिण भारत में आज तक नहीं मिली। इससे आर्यन इन्वर्जन थ्योरी एक गलत परिकल्पना और देश को विभाजन करने के सिद्धांत है, ये यही पे स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद में एक नाम है पुरंदर, उसको इंद्र बताकर फिर इंद्र जो आर्य थे उन्होंने ये सिद्ध करने की पूरी चेष्टा की गई। सारी की सारी कहानी झूठी मनगढ़ंत है। ये तक कोई भी यथार्थ प्रमाण आज तक नहीं दे पाया, ना कोई भविष्य में देने की संभावना है। रामायण महाभारत को यह मनगढ़ंत कहानी और काव्य बताने वालों से मेरा एक ही सवाल है कि आज भी वही महाभारत कालीन नाम क्यों हमारे शहरों की है, जैसे कि मथुरा, काशी, अयोध्या, वृंदावन और यूपी के मेरठ जिले की हस्तिनापुर। आप किस किस चीजों को झूठ बताएंगे और माइथोलॉजी साबित करेंगे? हजारों लाखों सबूत हम आपके सामने पेश करेंगे। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादृष्टेव दक्षिणम् वर्षं तद् भारतम् नाम भारतीयत्र संतति। भारत का पद्म भूषण श्री डॉक्टर बीबीलाल की पुस्तक सरस्वती बह रही है में पेज नंबर 78 में ये श्री लाल जी ने ये बताया है कि हड़प्पा काल में महिलाओं की मूर्ति में लाल रंग के सिंदूर की रेखा माथे पे मिले, ये सिर्फ वैदिक सभ्यता की निशानी है। पेज नंबर 89 में लिखा है कि सिर पर पहनने वाली चोक मिले, जो आज भी गरीब से लेकर अमीर सबके घर की महिलाओं के घर में पहना जाता है। मोहिंजोदारो से कांस्य की मूर्ति मिली, जिसके हाथों में जो चूड़ी है आज भी राजस्थानी हिंदू महिलाएं पहनती हुई देखा जा सकता है। राजस्थान और धोलावीरा में गोलाकृत मनके पाए गए,
जो आज भी हिंदू वैदिक महिलाएं पहनती हैं। ये कहा गया है कि आर्यन अपने साथ घोड़े लेके आए थे। वे लड़ाकू किस्म के मनुष्य थे, पर सूर कोथड़ा में जो घोड़े की जीवाश्म और हड्डी प्राप्त हुए, साथ में टेराकोटा खिलौना की घोड़े भी प्राप्त हुए, हड़प्पा कालीन थे। तो ये भी एक प्रमाण है कि हड़प्पा के लोग वैदिक ही थे। बृहत स्नानागार, जिसमें आप सीढ़ियों को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे सारे ग्रेट पाथ प्लेस उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही है, जो कि एक वैदिक परंपरा है। ऐसी दिशाओं की मान्यता सिर्फ वैदिक संस्कृति से ही प्राप्त होता है। हड़प्पा की खोज के वक्त स्वस्तिक चिन्ह मिले, जो कि पूर्णतः सनातन वैदिक संस्कृति की ही निशानी है। राखीगढ़ी में मिला कंकाल में R1N1 जिन नहीं मिला, जो कि आर्यन के जिन माना जाता है। इसीलिए कुछ लोग ये दावा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के लोग अलग हैं। R1N1 जिन महिलाओं में कभी ट्रांसफर नहीं होता, ये जिन सिर्फ पुरुषों में ही ट्रांसफर होता है, और हमें राखीगढ़ी में कोई पुरुष का कंकाल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जब मिलेगा तब पता चलेगा। इसीलिए ये दावा करना कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वैदिक नहीं थे, ये कहां तक ठीक है? ये और अर्नागार के पास श्रमिकों के छोटे छोटे घर प्राप्त हुए हैं कि इस सभ्यता में भी उच्च वर्ग और साधारण वर्ग होते थे, और ये वर्ग चार भाग में विभक्त थे। पहला पुरोहित वर्ग, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यवसायिक वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। बिल्कुल जैसे वैदिक सभ्यता में वर्ण सिस्टम है। धोला पीरा में बहुत बड़ा सभागार मिला, जो कि अपने जमाने की बहुत बड़ा स्टेडियम था। बिल्कुल वैसी मिलता जुलता सभा और सभागार रामायण और महाभारत जैसी काव्य पुराणों में मिलता है। काली बंगाल और लोथल से हवन कुंड प्राप्त हुआ है, जो कि सनातन वैदिक संस्कृति की निशानी है। क्योंकि बुद्ध और जैन तो ईश्वर पे यकीन नहीं रखते थे, तो उनका हवन कुंड से क्या काम। मोहनजोदारो से प्राप्त कांसे की मूर्ति, जो नृत्य की भाव भंगी में मिली है, जो मनोरंजन की मुद्रा में है, ये बुद्धकालीन मूर्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि नृत्य अभिनय बुद्ध धर्म में ग्रहणीय कभी भी नहीं है, ये परिचित है। तो ये नर्तकी की मूर्ति बुद्धकाल की नहीं हो सकती, पर संगीत नृत्य वीणा हमेशा से ही वैदिक संस्कृति की हिस्सा रही है। वैदिक संस्कृति में ये सरस्वती देवी की वरदान मानी जाती है। कृष्ण की महारास हो या स्वर्ग में अप्सराओं की नृत्य, सबकी रचना पुराणों में पाई जाती है। बुद्ध विशिष्टासियों का ये मत है कि ईश्वर जादू टोना, पूर्व जन्म पुनर्जन्म, ये सब झूठ है। तो सिंधु सभ्यता में जो मृत शव के पास सारे सामान और गहने प्राप्त हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि वे सारे इन चीजों पे यकीन रखते थे। तो ये सभ्यता बुद्धकालीन कैसे हो सकती है? कोई बुद्ध हमें कमेंट में बता सकता है? प्लीज कमेंट करके आप बताइए। सिंधु सभ्यता में बहुत सारे मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, पर बुद्ध धर्म में तो एक भी महिला देवी की कोई भी जिक्र नहीं है। प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता की सीमा कहां से कहां तक थी, वो आज तक पूरा सटीक रूप से कोई भी नहीं बता पाया है। वैदिक संस्कृति की प्रमाण हर देश में कहीं ना कहीं से मिल जाता है, कभी अरब से तो कभी तुर्क से। बिल्कुल वैसे ही सिंधु सभ्यता समय समय में बहुत सारे स्थल से प्राप्त हो रहे हैं। कोई इस सभ्यता की सटीक सीमा आज तक नहीं बता पाया। दोनों सभ्यता की एरिया लगभग एक ही है, उत्तरी पश्चिम सीमा। दोनों सभ्यताओं में कर्म कांड की सबूत मिले हैं, जो कि सनातन संस्कृति को छोड़ के और कहीं भी प्राप्त नहीं होंगे, पर कुछ लोग आंखें बंद करके इसको भी नकारने वाले हैं। दोनों संस्कृति में देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के प्रमाण मिले हैं, चाहे वो शिवलिंग हो या मातृ देवी, वृक्ष देवी, प्रकृति देवी की उपासना हो, दोनों में पाए गए हैं। बहुत सारे मूर्ति शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। दोनों ही सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। वैदिक संस्कृति में भी आहार तीन तरीके के होते हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तामसिक आहार यानी मांसाहार। कृषि और पशुपालन दोनों ही सभ्यताओं में किया जाता है। दोनों ही काल में कोई निश्चित मुद्रा का व्यवहार या प्रचलन नहीं था, वस्तुओं की आदान प्रदान से व्यापार होता था। दोनों सभ्यताओं से आज भी बहुत सारे प्रथाओं का हमारे समाज में प्रचलन आज भी है, जैसे कि सिंदूर लगाना, शिवलिंग की पूजा करना, कर्मकांड, देवियों की पूजा आज भी प्रचलित है। कुछ लोगों का कहना है कि सिंधु शहरी सभ्यता थी और वैदिक ग्रामीण सभ्यता थी, पर ये कहां तक सत्य है? क्योंकि वैदिक सभ्यता की
द्वारिका नगरी की खोज हो या राम सेतु हो या फिर लेबनान में पाए गए 4500 साल की पुरानी फेनोमेनन टेंपल हो, दुनिया का सबसे बड़ा काव्य महाभारत और ऋषियों ग्रंथों में दूसरे लोक में जाने वाली सवारी की टेक्निक जिसको विमाना कहते हैं, वैदिक सभ्यता क्या उन्नत सभ्यता नहीं थी? ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, ये कहां तक सत्य है? अभी तक 5% की भी खोज पूरी नहीं हुई है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि क्या प्रचलन था और क्या नहीं था? सिंधु में साहित्य का प्रचलन नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता में था। सिंधु घाटी के लोग लड़ाकू नहीं थे, वैदिक लोग लड़ाकू थे। सिनोली में जो 8000 साल पूर्व रक्त और महिलाओं के मृत शरीर के पास हथियार मिले, तो इसका मतलब महिलाओं की युद्ध विद्या में भी ज्ञान था। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता रक्षात्मक स्वभाव के थे और वैदिक सभ्यता के लोग आक्रामक स्वभाव के थे, पर कोई आक्रमण तभी होगा जब उसको कोई संकट का अनुभव होगा। ये किस तरीके का डिफरेंस पढ़ाया जाता है? आपको समझ में आए तो प्लीज हमें समझा देना। मातृसत्तात्मक सभ्यता और पितृसत्तात्मक सभ्यता के रूप में इसको अलग अलग किया जाता है। अगर देवियों की मूर्ति मिली है तो साथ में बहुत सारे सिबलिंग भी प्राप्त हुए हैं, तो ये सिर्फ मातृसत्तात्मक सभ्यता कैसे हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, पर अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका। जब पढ़ा जाएगा और भी प्रमाण आप अपने साथ लेके आएगा, पर वैदिक काल की लिपि साहित्य काव्य सब कुछ प्राप्त होता है। आर्कियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर नीरज जी का ये कहना है कि लिपि हमेशा बदलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृति अलग है, जैसे हमारे देश में लिपि अलग भाषा अलग होके भी हम सब हिंदू हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को, मिलते हैं अगले वीडियो में भारत की एक नई गाथा के साथ। नमस्कार।